बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एहसास है कि आज पाकिस्तानी और तहरीके इंसाफ से मुंसलिक हर कारकुन इस्तराब की कैफियत पे है। जो आज फैसला आया है उसको लोगों ने इंसाफ के तकाजों के बरक्स जाना है, और जो एक बुनियादी हक था इमरान खान का एक फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A के तहत, वो मुयस्सर नहीं हुआ। मुझे इस तरह की कैफियत का इल्म है, और हमने सबने मिलकर उनकी आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। कानूनी जंग भी लड़नी है और सियासी जद्दोजहद भी करनी है। पुरअमन अंदाज में हमने आगे बढ़ना है। इमरान खान साहब की वाज़ह हिदायत हैं, उन हिदायत को, उन गाइडलाइंस को सामने रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। मेरी अभी कुछ पार्टी के सीनियर लीडर्स से मशावरत भी हुई है, टेलीफोन पर बात भी हुई है, और आज कोर कमेटी का इजलास भी मुनाकिद किया जा रहा है, ताकि हमने आइंदा का लायमल क्या बनाना है उसको हम उस पर फाइनलाइज कर सकें। कुदरती बात है कि एक फितरी रद्दअमल है लोगों में, एक इज्तराब है, एक गम गुस्सा भी है, और मुख्तलिफ जगह पर लोग अपना इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार भी करना चाहते हैं और अपना पुरअमन एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। वो आपका आईनी कानूनी हक है, कोई आप उस सलब नहीं कर सकता। पुरअमन रहते हुए आप अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, कानून को हाथ में नहीं लेना, लेकिन अपनी जद्दोजहद को, हकीकी आजादी की जद्दोजहद को हमने आगे बढ़ाना है। इसके लिए एक मशावरती इजलास आज ही बुलाया जाएगा, जिसमें हमारे वकला भी होंगे और कोर कमेटी के दीगर हजरात भी होंगे। हम उनसे मशावरत करके आगे बढ़ना चाहेंगे।